प्रशांत कुमार की यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। वो इससे पहले डीजी के पद पर कार्यरत थे। यूपी के वर्तमान डीजीपी पी विजय कुमार 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो रहे हैं। अब इस नियुक्ति पर यूपी की राजनीति भी गर्मा गई है। इस नियुक्ति को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि लगता है एक बार फिर उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी मिलने वाला है। जनता पूछ रही है कि हर बार कार्यवाहक डीजीपी बनाने का खेल दिल्ली लखनऊ के झगड़े की वजह से हो रहा है या फिर अपराधियों के संग सत्ता की सांठगांठ के कारण। दरअसल इससे पहले डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और विजय कुमार को लगातार कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा चुका है। बीते 21 माह में प्रदेश पुलिस को कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाना पड़ रहा है। आपको बता दें 31 जनवरी को डीजीपी विजय कुमार और डीजी मानवाधिकार एसके माथुर रिटायर हो जाएंगे। वहीं विजय कुमार विजिलेंस के डीजीपी हैं, लिहाजा उनके सेवानिवृत्त होने के बाद विजिलेंस को भी नया मुखिया मिलेगा। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर नए अफसर की तैनाती भी होनी तय मानी जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 3 वर्ष से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को हटाया जाना है, जिसकी वजह से शीर्ष पदों पर तैनात कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला होना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।